our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुधवार को एक अन्य मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। बुधवार को वाराणसी MPML कोर्ट ने सजा के बाद बिंदु पर सुनवाई पूर्व के दोपहर 3 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा पूर्व विधायक पर 2,00,000 रुपए और 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी सशस्त्र और जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया था। मुख्तार पर फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के मामले में विशेष MPML कोर्ट के जज अवनेश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है। मुख्तार को IPC की धारा 428, 467, 468, 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी करार दिया है। वाराणसी कोर्ट ने आज इस मामले में कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया। इस मामले में कोर्ट ने अधिकतम सजा मुफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुनाई है। हालांकि इसी प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मुख्तार पर आरोप साबित नहीं हो सका है और इस मामले में उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जेल में बंद है, तो वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनसा अंसारी और सारे को फरार घोषित कर दिया गया है और दोनों की तलाश चल रही है। अब जो मामले में उम्र कैद मिली है वो आखिर मामला क्या है? वहीं मुख्तार अंसारी खिलाफ फर्जी लाइसेंस का मामला सामने आया है। दरअसल मुख्तार ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर DM को प्रार्थना पत्र दिया था। तत्कालीन DM और SP के फर्जी साइन से प्रार्थना पत्र को मंजूरी दिला गई। इस आधार पर लाइसेंस लिया गया था। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद CBCID ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज होने के 7 साल बाद वर्ष 1997 में आरोप दाखिल किया गया था और सुनवाई के दौरान गौरू शंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। और अब इस मामले में बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी से जुड़ी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो बड़ा अपडेट था, बाकी इस खबर को लेकर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।